उत्तराखंड के हल्द्वानी में कारोबारी प्रकाश पांडे का शव घर लाया गया। बड़ी संख्या में नेताओं का आना जाना लगा। प्रकाश पांडे के परिवार ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। घर के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग। परिवार वालों ने कहा कि जब तक उत्तराखंड सरकार मुआवजे की घोषणा नहीं करती, शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। प्रकाश पांडे की मौत से हल्द्वानी के कारोबारियों में रोष। शहर के सभी बाजार बंद। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिजनेस बर्बाद होने से परेशान प्रकाश पांडे ने मंत्री सुबोध उनियाल के जनता दरबार में खाया था जहर। अस्पताल में मौत हुई। अहमदाबाद में एक दर्दनाक हादसा। लिफ्ट में फंसकर 6 साल के मासूम की मौत। सोसाइटी के लोगों ने मेंटेनेंस ना करने का लगाया आरोप। जेएनयू से एक और छात्र लापता। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस का छात्र है मुकुल जैन। 8 जनवरी से गायब है। राजस्थान के जालौर में पुलिस ने 5 साल की मासूम बच्ची को छुड़ाया। घर में काम करने वाले नौकर ने अपहरण किया था। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक व्यक्ति से लाखों की धोखाधड़ी। बदमाशों ने तांत्रिक विद्या से नोटों की बारिश का झांसा देकर 36 लाख रुपए ऐंठ लिए। श्री गंगानगर के पदमपुर में सड़क हादसा। रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत में एक की मौत, 12 जख्मी। राजस्थान के बानसूर में गायों से भरी गाड़ी बरामद। गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे। हरियाणा के सोनीपत में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत। गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। परिवार का हंगामा। पंजाब के फिरोजपुर में आपसी रंजिश में अकाली दल के सरपंच ने फायरिंग की। कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। भागलपुर के तिलका मांझी में 3 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में एक महिला की मौत, कई जख्मी। सासाराम में सेना में भर्ती के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में एक उम्मीदवार की मौत हो गई, 4 जख्मी। बिहार के सासाराम में चोरी के दौरान घर के मालिक को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती। बिहार के छपरा में एक कारोबारी से 300 सरकारी पैकेट चावल बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के कटिहार में हाईवे के लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैश और मोबाइल फोन बरामद। देवघर में गैस एजेंसी से 3.5 लाख रुपए लूट लिए गए। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पंजाब के पटियाला में सरकारी कौशल्या अस्पताल में नवजात बच्चे की चोरी। संदीप कौर नाम की महिला ने कल बच्चे को जन्म दे दिया था। जामताड़ा में सड़क हादसे में घायल बीएसएफ के पूर्व जवान की मौत। परिवार ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, लापरवाही का आरोप। बिहार के मुंगेर में झाड़ी में मिली नवजात बच्ची। रोने की आवाज सुनकर एक महिला ने उठाया, घर लाकर की देखभाल। यूपी के हापुड़ में 4 चोर गिरफ्तार। लाखों की चोरी का सामान बरामद। यूपी के जौनपुर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है। कई दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब के संगरूर में किसान ने खुदकुशी की। 10 लाख के कर से परेशान था किसान। पंजाब के मानसा में किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कर्ज माफ नहीं होने से नाराज। हरियाणा के अंबाला में 21 लाख लेकर फरार होने वाला नौकर गिरफ्तार। लूट की रकम बरामद। झारखंड के बोकारो में 4 ठग गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए ऐंठ चुके थे।